रिवॉल्वर के साथ वीडियो वायरल होने के बाद सुर्खियों में आई आगरा पुलिस की सिपाही प्रियंका मिश्रा का 12 दिन बाद रविवार को इस्तीफा एसएसपी मुनिराज जी ने मंजूर कर लिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लोगों के कमेंट से परेशान होकर इस्तीफा दिया था। वो पुलिस लाइन में ड्यूटी कर रही थी। इस्तीफा मंजूर होने के बाद अब वो ड्यूटी नहीं दे पाएंगी। कानपुर की रहने वाली प्रियंका मिश्रा साल 2020 में पुलिस विभाग में सिपाही भर्ती हुई थी। झांसी में ट्रेनिंग के बाद पहले तैनाती थाना एमएम गेट में मिली थी। उन्होंने वर्दी में रिवॉल्वर के साथ एक वीडियो बनाया था। इसमें बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा था। 24 अगस्त को ये वीडियो वायरल हो गया था। इसकी जानकारी पर सिपाही को लाइन हाजिर कर दिया गया था। सिपाही प्रियंका मिश्रा के बारे में सोशल मीडिया पर लोग कमेंट कर रहे थे। इससे परेशान होकर सिपाही ने 31 अगस्त को अपना इस्तीफा एसएसपी मुनिराज जी को सौंप दिया था। एसएसपी ने इस्तीफा मिलने पर जांच कराई। सीओ सदर ने जांच की। इस दौरान सिपाही गैर हाजिर भी हो गई। 9 सितंबर को उन्होंने पुलिस लाइन में आमद करा ली। रविवार को भी ड्यूटी की। एसएसपी मुनिराज जी ने बताया कि सिपाही के इस्तीफे के लिए प्रार्थना पत्र देने पर सीओ सदर राजीव कुमार को जांच दी गई थी। उनकी जांच रिपोर्ट मिलने के बाद रविवार को इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। अब महिला सिपाही से ड्यूटी नहीं करवाई जाएगी। रिवॉल्वर के साथ वीडियो बनाने वाली सिपाही प्रियंका मिश्रा का इस्तीफा भले ही मंजूर हो गया हो, लेकिन इंस्टाग्राम पर उनके फॉलोअर्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं। उन्होंने अपने अकाउंट में कई और वीडियो शेयर किए हैं। सिपाही ने लाइन हाजिर होने के बाद इंस्टाग्राम पर एक वीडियो डाला था। इसमें उन्होंने इस्तीफा देने और ट्रोल नहीं करने की बात कही। तब उनके 3000 फॉलोअर्स थे, मगर रविवार तक उनके 38,500 फॉलोअर्स हो गए हैं। उनके फॉलोअर्स की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है।